टोक्यो ओलंपिक 2021 के इस बार गोल्ड मेडल विजेता बनकर भारत देश के नाम का झंडा पूरी दुनिया भर में लहराने वाले हरियाणा की शान नीरज चोपड़ा की हम बात करेंगे आज। जी हाँ, सेलिब्रेशन पूरे देश के लिए है, ये जश्न में है पूरा देश, क्योंकि भारत देश का नाम ऊंचा करने वाले नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं सुनहरा गोल्ड मेडल और इतिहास रच दिया है इन्होंने। जी हाँ, 13 साल बाद नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो के लिए। जी हाँ, चीयर्स फॉर इंडिया तो कहना ही पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने इतिहास रच दिया है एक बार फिर से, और तारीफ के फूल तो बन रहे हैं, जमकर तारीफें हो रही हैं। तो चलिए आज हम उनके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रो से चैंपियन बनने वाले नीरज चोपड़ा, जो कि रहने वाले हरियाणा के हैं, जो कि वर्कआउट और अपने शानदार डाइट प्लान के साथ साथ लोगों को इंस्पायर कर रहे थे देश के लिए शानदार काम करने के लिए। एथलेट्स के तौर पर मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में उन्होंने 87.58 के थ्रो के साथ ऊंचाई के साथ उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में अपना नाम दर्ज कराया। टेरिफिक थ्रो था ये इंडियन की तरफ से पहली बार। जी हाँ, गोल्ड मेडल पोजीशन उन्हें मिला है 23 साल के इस इंप्रेसिव 87.03 मीटर वाले फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ। नीरज चोपड़ा ने पूरे दुनिया भर में जबरदस्त तारीफ बटोरी है। जी हाँ, ये आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस बार उनका शानदार ये खेल लगभग हर किसी के बीच इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत देश को सुनहरे गोल्ड मेडल का इंतज़ार तो था, और नीरज चोपड़ा ने पूरे देश का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि देश का ख्वाब भी पूरा कर दिया है। अब नीरज चोपड़ा VCM, जो कि इंडियन ट्रैक और फील्ड एथलीट है, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर भी इंडियन आर्मी में रहने के साथ जैवलिन थ्रो के जरिए तारीफ बटोर रहे हैं। उनके बारे में आपको शायद मालूम ना हो, नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, और इसी के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत और अपने परिवार, अपने चाहने वालों को इंस्पायर कर दिया है। तो आपको ये बताना चाहेंगे हम हमारी इस खास रिपोर्ट में कि उनकी माँ सरोज देवी और पिता सतीश कुमार हैं। जी हाँ, पानीपत, हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा, जिन्होंने एथलीट्स में ज़बरदस्त पहचान बनाई। गोल्ड मेडल उन्हें साल 2020 समर ओलंपिक्स के लिए एथलीट्स में मिला, और इससे पहले साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने जेवलिन थ्रो के लिए एथलीट्स के तौर पर मेडल जीता है, और साल 2018 में एशियन गेम्स में भी एथलीट्स के तौर पर उन्होंने शानदार जेवलिन थ्रो से तारीफ बटोरी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।